ये किधर गई? अभी तो इधर ही थी ना। नमस्कार, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं बहुत दिन बाद, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए और सभी ने बहुत सारे स्नेह दिखाया कि मैं वो वीडियो जो मैंने पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट, उस पर आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए कि मैं उस जो फाइव फ्रेंड गए थे हॉन्टेड बिल्डिंग में उसका एनालिसिस करूँ। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आज मैं अपने रूम में बैठ के नहीं बल्कि अपने रूफ में बैठ करके जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये हमारा जो है रूफ है, ठीक है, सामने देखिए ये छत पे मैं बैठा हुआ हूँ और मौसम काफ़ी अच्छा था, तो अपने छत के दरवाजे पर आ करके जो है मैंने सोचा यार इसे शूट कर लेता हूँ। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरा ये वीडियो वही लोग देखें जो जिनमें पेशेंस रखने का जो है थोड़ा बहुत, मतलब जो पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है, धैर्य रख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि यार मुझे जितने लोग आप सभी लोग पसंद करते हो, जो भी लोग, जो भी मेरे अपने हो, वो रख ही लेंगे कहीं ना कहीं धैर्य, और जो नहीं रखेंगे उनका तो काम होता है, तो भाई उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो पूरा बना सकूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वीडियो पूरा हो नहीं पाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं इस वीडियो में वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, तो उसके लिए मेरे को ये वीडियो दो पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो 35, 36, 37, 38 कुछ पॉइंट हैं ऐसे ही, तो कुछ आधे पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा और आधे पॉइंट आपको अदर वीडियो एक बनाऊंगा उसमें कवर करूंगा उसके आगे के पॉइंट्स। और मे भी ये भी हो सकता है कि सारे पॉइंट इसी वीडियो में दे दूं आपको, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर अधूरा सा वीडियो लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और अगला पॉइंट अगले वीडियो में आपको बाकी के बचे पॉइंट नज़र आएंगे। तो बस इतना सा एक जरूर मेरा निवेदन है, इस चीज़ को जो है आप लोग स्वीकार करिएगा। तो बढ़ाते हैं अपने वीडियो को आगे, और डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं पहले से ही, क्योंकि डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस घटना को सत्य घटना बताया जा रहा है और मैं किसी को भी आहत नहीं पहुंचाना चाहता हूं, किसी के हृदय को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं खुले शब्दों में कह देना चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, और ना ही किसी के, अगर किसी का कोई ये कृत्य है, या जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये वीडियो एक मूवी के माध्यम से दिखाया गया है, रियलिटी इसे मतलब रियल इंसिडेंट बताया गया है, तो उनकी भी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। बस मेरा जो काम है एनालिसिस करने का, वही मैं इस वीडियो में करना चाहता हूं और वही मैं करता आया हूं और वही मैं कर रहा हूं। तो अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को, जो कि हमारा काम है। मैं आपको बता दूं एक चीज और कि इस वीडियो को ना ही मैं ये कह रहा हूं कि ये फेक है, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि ये रियलिटी है, ठीक है, मैं नहीं मानता हूं इसको रियलिटी, वेदर कोई मान रहा हो आई डोंट केयर, खुले शब्दों में बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता यार कि ये फेक है, मैं ये बस मेरा अपना जो तर्क है वो मैं अपनी बात बता रहा हूं, ये मतलब कोई इस चीज को मतलब घोषित नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको घोषित नहीं कर रहा हूं कि ये गलत है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये मेरा अपना सोचना है कि ये जो भी कुछ है यार कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक है या स्क्रिप्टेड है, प्लान्ड है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के कुछ सवालों की ओर, जिसकी वजह से मुझे टाइम लगा आप तक
ये वीडियो लाने में। थोड़ा सा शोर आएगा, बच्चे मेरे खेल रहे हैं नीचे, अगर थोड़ी बहुत शोर कर दें तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। मैंने कुछ पॉइंट अपनी डायरी में नोट डाउन किए हैं और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, उसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट, हाँ एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बस टाइम लूँगा कि जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, मैं सॉरी बोलता हूँ उन लोगों से और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने अपने उस कम्युनिटी पोस्ट में उस वीडियो का लिंक नहीं दिया है। वो वीडियो वो देख लें जा करके भाई, और मैं उस चैनल का नाम तो फिलहाल नहीं ले सकता सिक्योरिटी रीजन से, और कुछ पॉलिसीज होती हैं यूट्यूब की, लेकिन मैंने मेंशन कहीं ना कहीं कर दिया है तो वो देख ले। बाकी सब समझदार हो यार, वो वीडियो कहीं फाइव फ्रेंड करके डाल दोगे यूट्यूब पे, सर्च करोगे एनी हाउ तो वो मिल जाएगा आप लोगों को। तो वो वीडियो पूरा जब देख लोगे तो मेरे क्वेश्चन आप लोगों को सारे समझ में आएंगे। तो उठाते हैं अपने सवाल हमेशा की तरह। तो मेरा जो पहला सवाल यहाँ पर बनता है, हाँ जी, तो मेरा पहला सवाल यहाँ पर ये आता है। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जब ये गए हैं तो बिल्डिंग के पिछवाड़े से, पीछे साइड से, बैक साइड से, एक विंडो के थ्रू ये लोग ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद तो जब ये बंदे वहां पर खिड़की के थ्रू ऊपर चढ़ गए तो उनमें से, ये पांच बंदे थे, उनमें से तीन बंदे जो तीन दोस्त थे वो अंदर जा चुके थे, और दो बचे वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे आपस में, तो वो दोनों बचते हैं। और वो दोनों में से बॉयफ्रेंड ऊपर चढ़ जाता है और गर्लफ्रेंड नहीं चढ़ पाती है। उसके बाद होता क्या है कि एक ये फ्रेंड को अपने फ़ोन करता है कि भाई ये चढ़ नहीं पा रही है, तो उसके लिए जो है उसका फ्रेंड फ़ोन पे ही बताता है कि यार मैंने यहाँ पर सीढ़ी की व्यवस्था व्यवस्था कर नहीं रखी है, ये तो मेरा बोलना है, लेकिन उसने बोला ऐसा कि वहाँ पर एक सीढ़ी रखी है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि यार सीढ़ी अगर रखी थी तो जाहिर सी बात है जब ये लोग यहाँ पर मुड़े हैं, ठीक है, बैक साइड जाने के लिए, गौर करिएगा, बैक साइड जब ये सभी लोग जा रहे हैं और इसकी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से यानी कि बोलती है भरत से कि भरत जरा संभल के नीचे गड्ढा है, उस जगह से आप लोग गौर करिएगा, उस जगह से लेकर के वहां तक चढ़ने तक उस दीवाल पे गौर करिएगा, कहीं भी आपको सीढ़ी नजर आ रही है, और जो बीच में एक चैनल टाइप का दिया हुआ वहां सिर्फ ताला है। ऐसी कौन सी जगह बीच में थी जहां पर सीढ़ी रखी थी और हम लोगों को दिखाई नहीं दी, इन लोगों के मुड़ते समय हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ी। और उसके बाद इसका बॉयफ्रेंड जब इसका जो एक फ्रेंड जिसको वो कॉल करता है कि मैन जो भी हो व्हाटएवर, उसका फोन, वो फोन पे बोलता है कि भाई वो सीढ़ी जो है रखी है बगल ही में कहीं रखी है बिल्डिंग के बीच में कहीं, तो वो लड़की जो कविता जी हैं वो सीढ़ी लेने जाती हैं और सीढ़ी लेकर के आसानी से आ जाती है, हाँ मिल गई, और छोटी मोटी नहीं इतनी भारी सीढ़ी लेकर के आ जाती हैं। तो ये एक वैलिड पॉइंट है भाई, ये मेरा अपना सोचना है कि ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, हजम नहीं हुआ, ठीक है ना। उसके बाद मेरा ये पॉइंट, जब ये लोग आगे बढ़ते हैं किस वगैरह करने के लिए, ठीक है जो भी है करते हैं, ये सबने देखा वीडियो में, अब करते हुए तो नहीं दिखाई गया, मतलब करने गए ऐसा विचार इनका बना, मौसम बना जो भी हो, ठीक है वो गए अंदर, और अंदर जाने के बाद एक डंडा गिरता है। मैं आपको बता दूं, जब डंडा गिरता है ये लोग भूत दिखाते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन भूत नजर नहीं आता है जब डंडा गिरता है। ये एक दूसरा पॉइंट मानना, क्योंकि इस पॉइंट को अधूरा छोड़ रहा हूं यहाँ पे, इसका आगे वैलिड पॉइंट उठाऊंगा मैं। थर्ड पॉइंट में आता हूं, लड़की आगे कविता जो है फोन करते अपने फ्रेंड सर्किल को, तीन बंदे जो अंदर ऑलरेडी जा चुके होते हैं उनमें से किसी एक को फोन करती है, सभी को करके ट्राई करती है वो, और उनमें से दो बंदे के जो है फोन स्विच ऑफ आते हैं, तीसरे बंदे की रिंग आती है। तो ये क्या मतलब हुआ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरीके से कि ये रियल इंसिडेंट कैसे हो गया, किस तरह से ये कैप्चर्ड है, अभी उसको भी आगे रखूंगा, फुल स्क्रिप्टेड मेरे को फील हो रहा है, घोषित नहीं कर रहा हूं। किसको फोन करेंगे? दुर्गेश को। दुर्गेश 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 लव प्लीज कॉल करे था।
भावेश प्रतीक 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 हाँ प्रतीक हाँ प्रतीक फोन उठा। वीडियो में चौथा पॉइंट आपको बता दूं कि वीडियो में लाशें जो है दिखाई देती, कैमरे में उस कैमरे में लाशें दिखाई दी, एक फांसी पे लटका, दूसरा फांसी पे लटका, तीसरे की गर्दन रखी है टेबल पे या किसी बॉक्स पे, वो गर्दन रखी दिखाई दे रही है। आफ्टर दैट पुलिस जब वहां पर जाती है तो पुलिस को कैमरे के सिवा वहां कुछ भी नहीं दिखा, ये चौथा पॉइंट है। मेरा सवाल यहां पर यह बनता है कि अगर वहां पर लाशें पुलिस को नहीं मिली तो फिर ये लाशें कितनी देर में और उस वीडियो में जब दिखाया गया कि लाशें, हम और आप देखे हैं ना इस चीज को कि उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है लाशें लटकी हुई हैं फांसी पे, तो पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दी और कितनी देर में लाशें गायब कर दी गई, किसने गायब की, हु द हेल, ये एक वैलिड पॉइंट है, इसको नोट करिए। उसके बाद पांचवें पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। पांचवें पॉइंट पे ये क्या करते हैं, ये जब आगे बढ़ते हैं कविता जी और भरत जी, तो इनके फ्रेंड का फोन आता है इनके पास, किसका, प्रतीक का, और फोन पे वो इनसे बोलता है कि कविता तुम लोग अपनी जान बचाओ, ठीक है। वो इतना डरा हुआ होता है उसके ऊपर जैसे कोई हमला कर रहा हो या भूतिया हमला हो रहा हो, तो वो अपनी फ्रेंड यानी कि कविता को फोन करके, फोन जब मिलाते हैं तो फोन पे बोलता है कि कविता तुम लोग अपनी जान बचाओ और यहां से जाओ, हम तो डूबे हैं तुम ना डूब जाओ। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, आपके ऊपर जब हमला हो रहा होगा उस समय आप अपने आप को बचाओगे या किसी को फोन करोगे, ये माजरा मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो उस समय अपनी जान बचाता है आदमी, कविता को और भरत को फोन क्यों करेगा कोई, वही दहेल। प्रतीक का कॉल, प्रतीक हाँ रुक एक मिनट, स्पीकर पे लो, हाँ एक मिनट, हाँ बोल प्रतीक, के बाद छठवें पॉइंट पे कविता जी जब छिपकली से छीछा लेदर हो रही है आपकी, तो वहीं पर आपको रुक जाना चाहिए था, और छिपकली से छीछा लेदर हो रही है उसके बाद आपको यहां पर देखिए, आप मैं एक एक पॉइंट पे आपको दिखाता जा रहा हूं कि छिपकली से तो आपको दिक्कत हो रही है और बच्चा दिख रहा है आपको, तो दो पल के लिए डरती हूँ फिर आगे बढ़ जाती हूँ। आपने मालूम यहां चार बार गलती की है, ठीक है ना, चार बार आपको बहुत सारा जो है यहां पर दिक्कत हुई, उसके बाद चार चार बार आपने क्या किया, रिस्क लिया और आगे बढ़ी। ये मैं नहीं भरोसा कर सकता, मेरे को यार एक बार भूत दिख जाएगा और मेरी छीछा लेदर हो जाएगी, मैं भग जाऊंगा, सीधी बात, और शायद सभी भग जाएंगे, ठीक है। वीडियो कितने भी लोग बना लें लेकिन वो दिखने के बाद दोबारा कोनो वीडियो नहीं बनाएगा, ये मैं मालूम है, यूट्यूब के लिए खास बात, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो कविता जी आपको छिपकली से डर लगता है, उसके बाद ऊपर से बच्चा निकलता, भूत का बच्चा वो आपको दिखाई दे रहा है, भूत दिखने के बाद भी आपने शूटिंग जारी रखी और आप आगे बढ़ी, ये एक सवाल है। सातवां पॉइंट, किसी ने गौर किया जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था तो वो बंदे जो थे तीन फ्रेंड इनके, उन्होंने बोला था कविता जी से और भरत जी से कि हम लोगों ने यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी कुछ
ड्राइंग बना रखे हैं, चित्र बना रखे हैं हाथी के, जो फिनिश नहीं पूरी तरीके से, ठीक है, इनकम्प्लीट है, तो पूछ वगैरह उनकी जो है नहीं थी। तो भाई अगर जब आप पहले गए थे वो हाथी बनाने, तब कोई भूतिया हरकत नहीं हुई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर भूत उस बिल्डिंग में रहता है तो पहले हमला हो जाना चाहिए था, आप लोगों के साथ भी तो कोई ना कोई घटना होनी चाहिए थी ना, नहीं हुई। तो ये एक वैलिड पॉइंट है, इसको समझना और गौर करना। अब तुम लोग को इस बिल्डिंग में जाना है और इस बिल्डिंग के अंदर जाके तुम्हें बहुत सारी चीजें ढूंढनी। हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया, तुम लोग को एक काम करना है। क्या करना है बताए? 3 एलिफेंट ड्रॉ किए, उसे ढूंढो और कंप्लीट करो। उसके बाद 8वें पॉइंट पे चलते हैं। थोड़ा पढ़ना पड़ता है भाई, समय है, ठीक है, समय लगता है। हाँ, इनका एक मित्र है, वीडियो शुरुआत में गौर करना। मैं देखो बार बार ये नहीं बोलूंगा कि ये रहा चित्र, हो ये देखो, ये आप समझ जाना मैं हर कटिंग पे लगा रहा हूँ। इनका एक मित्र है, मेरे को नाम थोड़ा सा याद नहीं, मैंने मेंशन भी नहीं किया अपनी डायरी में। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कैमरा दिया है ना, तो ये पूरी बिल्डिंग कवर करने का है मुंबई अंदाज में। और वो ये भी बोल रहा है साथ में कि आप लोगों का एक्सप्रेशन भी चाहिए भाई, डरा हुआ। सुन लो आप लोग, ये 8वां पॉइंट है। इतना इजी टास्क, इतना इजी कैमरा दिया है ना, पूरा बिल्डिंग कवर करने का है। इतना इजी टास्क, इतना इजी कैमरा दिया है ना, पूरा बिल्डिंग कवर करने का है। हाँ, एक्सप्रेशंस बोलना मत, अगर बटुआ। हाँ, एक्सप्रेशंस बोलना मत, अगर बटुआ। उसके बाद 9 नंबर पे चलते हैं, यानी कि 9th पॉइंट पे। वो बंदा बोल रहा है बीच में, जब बिल्डिंग की तरफ ये लोग बढ़ने लगते हैं चढ़ने के लिए, वो बंदा ये देखो ये सब चीजें कोई गौर नहीं करता, क्योंकि गौर करने वाली है। वो बंदा बोल रहा है इनसे, मालूम क्या हम ये समझते हैं यार कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है। वो बंदा खुद ही बोल रहा है कि यार फेक नहीं है ये, उनसे बोल रहा है, कविता जी और भरत जी से, लेकिन ये डायरेक्ट हम लोगों को ये चीज बता रहा है कि फेक नहीं है ये। यानी कि फेक नहीं का मतलब ये जब खुद ही बता रहा है फेक नहीं, यानी कि अपना पूरा हम लोगों का टेंशन पाना चाहता वीडियो के थ्रू, वीडियो के तरफ। तो खैर कोई बात नहीं, ताकि कोई अंदर ना जाए। और हाँ, जो भी जाते हम फेक नहीं रहे, हम लोग फेक नहीं रहे सब चीज ये सब, ताकि कोई अंदर ना जाए। और हाँ, जो भी जाते हम लोग फेक नहीं रहे, हम लोग फेक नहीं रहे सब चीज ये सब। जो 10वां पॉइंट है, किस करने जब ये लोग जाते हैं, कविता जी और भरत जी, मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है कि अगर किस करने जा रहे हैं तो इतने सीन को, यानी किस करने गए और पुलिस को कैमरा मिला और कैमरे के अंदर जो भी फुटेज मिली, ये भी फुटेज मिली किस वाली, ठीक है, हालांकि किस करते नहीं दिखाया गया, लेकिन यार सोचो, लड़का खुद ही कह रहा है ना कि रोमांस ये वो, लेके लड़की को किनारे चल देता है खंभे के पीछे, किसी के गार्जियन को अच्छा लगे, लड़की के गार्जियन को कैसा लगेगा अगर वो देखेंगे। और पुलिस प्रशासन ने इस तरीके की पब्लिसिटी करने को या वीडियो पब्लिश करने को कैसे परमिशन दी, ये मेरी खोपड़ी से बाहर जा रहा है थोड़ा, कि किस तरीके से इस वीडियो फुटेज को पब्लिश करने की जो है, ये रॉ मटेरियल है या रियल मटेरियल है, आई डोंट नो, लेकिन कैसे कोई दे सकता है बिना गार्जियन के बारे में सोचे? उस लड़की के कोई तो गार्जियन होंगे, उस बच्चे के होंगे, सभी बच्चों के गार्जियन होंगे, कैसे कैसे ये इस चीज को पब्लिश करने, इस पर कुछ वो लगा, इस सीन को काटना चाहिए था। मैं खुद कह रहा हूँ क्यों रियल फुटेज डाली, अगर ऐसा रियल भी था क्यों रियल डालेगा कोई, किसी लड़की के साथ, लड़की के माँ बाप देखेंगे इस चीज को कि यार मेरी बच्ची ऐसा करती थी क्या, या किसी के साथ इंगेज थी, इस तरीके से किसेस वगैरह करने गई थी, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, तो ये नहीं डालना चाहिए था। एक छोटी सी किसी भी नहीं भरा, चुप, छोटी वाली चुप भरा, अरे प्लीज यार नहीं भरा। 11वें पॉइंट पे ये बंदा, देखो इसको मैं, मेरे हर पॉइंट का मतलब आप एक ही समझो, देखो मेरे हर पॉइंट का मतलब लिखने का केवल एक ही है कि ये फुल्ली स्क्रिप्टेड है, उस बिहाव पे मैंने ये सब लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन अपने। उसके बाद ये 11वां पॉइंट देखो आप,
बंदा क्या करता है जब खिड़की से चढ़ जाता है ऊपर और लड़की नहीं चढ़ पाती है तो क्या करता है, फोन करता है किसको, ऑलरेडी उसमें फोन पे लिखा हुआ केव मैन, ताकि वो अपने फ्रेंड से बोल रहा है कि भाई उसने मतलब बताया कि यहाँ एक सीढ़ी रखी है और तू कह रहा है, मैं खुले सब तुम बोल रहा हूँ, मेरे पे कॉपीराइट है या कुछ भी गाइडलाइन है, मेरे को फर्क नहीं है, वो क्योंकि वो खुद भी बोल रहा है यार वीडियो में, जब उसके में नहीं आई तो मेरे में क्यों आएगी, वो कह रहा है अबे गांडू ये बोला ना कि तूने मेरे को बताया नहीं और सामने आना तो मैं तेरे को खुल करके और ज्यादा बहुत सारी गाली दूंगा। भाई क्यों अभी तुम गांडू दे रहे हो, ये क्या गाली नहीं, ये भजन गाया क्या तुमने, भजन है क्या ये गांडू भी तो गाली होती है ना, और जब तुम गांडू बोल सकते हो तो और कौन सी ऐसी गालियां हैं जो तुम उसको सामने आने पे दोगे, ऐसी कौन सी गालियां हैं भाई कि तुम उसको सामने आने का इंतजार करोगे, तो फुल। और तीसरा पॉइंट आपको बताया यहां पर कि यार तुम अकेले में शूट कर रहे हो और कैमरा तुम्हारे पास है और तुम लोग जानते हो कि तुम ही लोग हो वहां उस बिल्डिंग में, तो भैया फोन पे जब बंदा तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो उसको खुल के गाली दो, जब गांडू बोल सकते हो तो और भी कुछ बोलो ना, क्यों नहीं बोलो, ये तो हम लोगों का अटेंशन पाने के लिए बोल रहे हो, अटेंशन हम लोगों का ध्यान खींचने की तरफ, ठीक है ना, कि तू सामने मिल तेरे को और ज्यादा गालियां देता हूं भरपूर तरीके से, व्हाट द हेल एंड यू अब्यूज, जस्ट अब्यूज, डोंट थिंक एनी मोर। क्या सीढ़ी है इधर किधर, तो कहां पे साले गांडू, मेरे वक्त नहीं बोल सकता था, उधर ही बाजू में रहेगा, देखो हाँ रुक तू मिल तेको बता, प्यार से बहुत सारे गाली देता हूँ, साले गांडू मेरे वक्त नहीं बोल सकता था। उसके बाद 12वां पॉइंट थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, हाँ यहाँ पर देखो गौर करने वाली बात जो मैंने नोट किया है, केव मैन को कॉल किया भरत ने, सोचने वाली बात यह है कैमरे में दिखा करके कॉल क्या करने की जरूरत थी, सीढ़ी गायब थी जो भी था, तुम फोन ऐसे भी तो करते ऐसे ऐसे करते ना, यहाँ पे आवाज अंदर से तो आती है ना, ये कैमरे में ये अटेंशन क्यों पा रहे हो, फोन को कैमरे में क्यों दिखा रहे हो, क्यों मतलब क्या है ना, क्या मतलब है, तुम ही तो हो वहां पे, हम थोड़ी थे वहां पे, हम तो नहीं थे ना आसपास ना, ना हम थे ना आप लोग थे, है ना, नहीं थे ना, कोई भी नहीं था, जनता नहीं थी ना वहां पे, वो कोई और तो नहीं था ना आप लोगों का, आप पांच लोग थे, तुम फोन कर रहे हो अपने फ्रेंड को तो यूं करो ना फोन, ये कैमरे में क्यों दिखा रहे हो फोन, मतलब क्या है, अटेंशन, जनता का अटेंशन, वट एवर यू आर मेकिंग थ्रू अ वीडियो, तुम बताना चाहते हो लोगों को कि मतलब अपना अटेंशन दो हमको, मतलब दिखा रहे हो लोगों को कि देखो ये मैं कर रहा हूं फोन और ये बंदा वो बोल रहा है सीढ़ी के लिए, इसे बोलते हैं अटेंशन, ठीक है ना, तो फोन को कैमरे में दिखा करके बात करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे 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 कोई जरूरत नहीं थी, और ये सब है ना, स्पीकर पे भी तुम डाल रहे हो, स्पीकर क्यों खोल रहे हो भाई फोन का, तुम ऐसे क्यों नहीं बात कर रहे हो, कर सकते थे ना ऐसे बात, बात तो कोई नहीं था ना, समझने वो जो समझदार लोगों को समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना, कोई नहीं था, मेरा कहने का मतलब है पांच लोग थे आप लोग तो फोन यूं करो ना, ये किसको सुना रहे हो, उस लड़की को थोड़ी सुनाया जाता है, क्यों सुनाओगे, क्यों मतलब ही नहीं बनता कोई, यूं करेंगे ना फोन, हम उस सिचुएशंस पे हम यूं ही तो फोन करेंगे कि भाई सीढ़ी कहाँ है क्या है ये वो चल नहीं पा रही, ऐसे तो करेंगे ना, ये थोड़ी करेंगे स्पीकर खोल लिया, क्यों स्पीकर खोलेंगे भाई, क्यों मतलब क्या है, तो एक पॉइंट है दूर तक समझना है। नहीं तू क्या करूँ, मतलब ऊपर नहीं चढ़ेगी तो कैसे टास्क पूरा होगा, मैं तेरी प्रॉब्लम है साले, अबे कुछ तो कैसे चढ़ेगी ग्रिल यार। 13वां पॉइंट सुनो, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मजा आएगी आप लोगों को, सीधी बात देखो सोचने वाली बात, 13वां पॉइंट मेरा छोटा सा खाली कि यार इसने जब फोन किया और स्पीकर पे डाल करके पूछ रहा है वो, तो उधर वाला बंदा बोल के आ रहा है फलानी जगह चले जाओ वहां पे सीढ़ी रखी हुई है, यार जब तुम्हें मालूम है रखी हुई है तो ये पूरी मूवी का मतलब मेरी खोपड़ी में नहीं समझा, चढ़ाई नहीं कि मरे कैसे पांचों लोग, ठीक है ना, अगर ये रियल इंसिडेंट है तो ये रियल बना कैसे, तुमको मालूम कैसे कि वहां पे सीढ़ी रखी है, और जब ये लोग घूम करके गए तो सीढ़ी नहीं दिखाई देती है और तुम कह रहे हो सीढ़ी रखी है, अगर तुम्हें मालूम है तो इसका मतलब है कि फुल प्लान है ना, आपको मालूम है
इसका मतलब दो ही हो सकते, या तो फुल प्लांड है या तो आप पहले भी यहाँ आ चुके हो। दो ही चीज है ना, 14वें पॉइंट पे, 14th पॉइंट पे देखते रहना। लड़की बोल रही है, सोना सीढ़ी मिली तो? हाँ वो कह रही, हाँ मिल गई। और ये लंबी सीढ़ी लेके आती है, ये लंबी, अरे बाप रे, स्वर्ग तक जाएगी सीढ़ी, इतनी लंबी सीढ़ी अचानक। और हम लोग जब वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं, वहां कोई सीढ़ी नाम की चीजें नहीं दिखाई थी, छीछा लेदर करके रख दी बिल्कुल। एक मिनट मिली? हाँ मिली। ओ फक, 15वें पॉइंट पे आते हैं, कैमरे की एलईडी के भरोसे। इसको यहां रखते हैं पॉइंट को, पहले उठाते हैं सवाल। सवाल ये है, कैमरा लेकर के क्यों गए थे? कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो अपना व्लॉग बनाने गए थे, कुछ लोग बोलेंगे अपनी मेमोरीज कवर करने गए थे वहां पर, ठीक है ना, या इस तरीके का जो भी वो लोग कर रहे थे हरकत या मूवमेंट वहां पर, हॉन्टेड कवर करने जा रहे थे, जो भी उस चीज को कवर करने गए थे। तो भाई ऐसा कमरा क्यों लेकर के गए थे? या मेरा समझना ये है कि उस समय भी लाइटें थी, 2013 2010 कोई ओल्ड समय नहीं था, कोई बहुत पुराना समय अंतराल नहीं था, उस समय बहुत सारी लाइटें आती थी। आप लोग जब इतनी हिमाकत कर रहे थे कैमरे में, इतनी बड़ी लाइट के भरोसे क्यों वीडियो बनाने गए, क्यों जाओगे? इतनी बड़ी लाइट थी कैमरे में, छोटी सी, उतने में ब्लर भी हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, उसके भरोसे लाइट पे ब्लॉग बनाने जा रहे हो? मेरी समझ के बाहर है ये बात। अगर कोई जाता है कैमरा लेकर के नाइट में, उस समय भी दस 2013 और 10 में भी जाता था, तब भी लाइटें थी। यूट्यूब के चैनल 50 उठा करके देख सकते हो आप, जितने भी लोग फेसबुक वगैरह में भी डालते थे, तो वो रात में अगर निकलते तो एक एक्स्ट्रा लाइट कुछ, या मोबाइल की टॉर्च एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ जलाते, कैमरे की लाइट के भरोसे थोड़ी चलता था कोई। और पहली चीज तो मैं ये भी मान रहा हूं यार, कैमरे में इतनी सारी लाइट कहां से आई कि सब कुछ कैद हो रहा है, और नाइट मोड पे लगा हुई है, मेरे को मालूम है नाइट मोड में लगा हुआ है कैमरा, लेकिन कैमरे की लाइट के भरोसे कोई शूट नहीं करता रात में। तो आप लोग जा रहे हो और कैमरे की लाइट के भरोसे शूट कर रहे हो, ये 15वां पॉइंट।